आज हम भक्ति के गीत गुनाते हैं, आज हम श्री प्रभु से अपने दिल के तार जोड़ते हैं, आज हम अपने मन की बातें प्रभु से करने की कोशिश करते हैं, आज हम प्रार्थना के वो बोल गुनगुनाते हैं जिससे हमारे दिल के तार ठेठ वहां तक पहुंच जाए। अरे ये भक्ति की ही तो शक्ति होती है कि मीराबाई के हाथ में आया हुआ जहर का प्याला भी अमृत बन जाता है। ये भक्ति की ही तो शक्ति होती है कि चंदन बाला के द्वार पर 6 महीने की तपस्या का अपना पारणा करने के लिए भगवान श्री महावीर आ जाते हैं। ये भक्ति की ही तो शक्ति होती है, ये भक्ति की ही तो शक्ति होती है कि नेम राजुल और राजुल जब गिरनार की पगडंडी पर जाती है तो मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। ये भक्ति की ही शक्ति होती है कि श्री राम किसी सबरी के द्वार पर पहुंच जाया करते हैं। ये भक्ति की शक्ति होती है कि मां मरुदेवी को हाथी पर बैठे बैठे परम ज्ञान और केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति है कि आचार्य मानतुंग अगर जेल के शलाकाओं में बैठे हैं तो भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते करते उनकी सारी शलाकाएं टूट जाती है, उनके बंधन टूट जाते हैं। ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है। और पता नहीं इतिहास में अनगिनत कितने कितने महापुरुष हुए, चाहे हम उसे ध्रुव कह दें कि प्रहलाद कह दें कि सुदामा कह दें कि वेदव्यास कह दें, चाहे जिसे कह दें, पर ये भक्ति की शक्ति है कि लोगों ने अब तक अनगिनत आत्माओं ने अगर श्री प्रभु से अपने तार जोड़े मुक्ति का मार्ग पाया। गीता कहती है कि दुनिया में ईश्वर को प्राप्त करने का अगर सबसे सरलतम साधन है, योगियों का योग रह जाता है, तपस्वियों का तप रह जाता है, दानवीरों का दान रह जाता है, पर एक भक्ति है जिससे इंसान ईश्वर के साथ अपनी आत्मा के तार जोड़ सकता है। आज हम उसी भक्ति, उसी प्रार्थना, अरे क्या गजब की प्रार्थना होती है इंसान की, दुनिया में इससे शक्तिशाली कोई तत्व नहीं हो सकता। ना कोई रॉकेट इसके सामने गतिशील है, ना कोई मन इसके सामने ताकतवर है। दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो प्रार्थना से ज्यादा ताकत रखती हो। अरे इसकी गजब की ताकत है, ये दिल से उठती है, होंठ तक आती है। केवल 9 इंच का फासला, 7 इंच का फासला ये तय करती है। ये प्रार्थना के बोल दिल से उठते हैं, होंठ तक आते हैं, उससे पहले भगवान तक पहुंच जाते हैं। ये हमारी प्रार्थना की अद्भुत ताकत और शक्ति हुआ करती है, ये दिल के तारों की अद्भुत ताकत हुआ करती है, ये भीतर की अभीप्सा, भीतर की प्यास, भीतर की भक्ति, भीतर की ललक, भीतर की लगन और भीतर में उठी हुई उत्कंठा, ईश्वर के प्रति प्रणति भाव जब व्यक्ति के हृदय में उठता है, यहां से उठता है और यहां तक आए, उससे पहले कहां तक, ठेठ ब्रह्मांड के पार परम पिता परमेश्वर तक पहुंच जाया करती है। यहां से भाव उठे और वहां तक पहुंच जाया करते हैं, ये अद्भुत है। ये भक्ति की आवाज अद्भुत है, ये भक्ति के बोल अद्भुत है। महाकवि सूरदास, भले ही भगवान ने उनको जन्म से आंखें न दी हो कि वो दुनिया को देख सके, पर भक्त कवि सूरदास जब अकेले जंगल में जा रहे थे, रास्ता भटक गए, गड्ढे में गिर गए सूरदास। और कहते हैं तभी गड्ढे में बैठे बैठे उन्होंने प्रभु से अपने तार जोड़ने शुरू किए, आओ प्रभु जी मुझे निकालो, आओ प्रभु जी मुझे निकालो। और तभी एक छोटा सा बच्चा आता है और आकर के सूरदास को कहता है, ले भाई बूढ़े बाबा मेरा हाथ पकड़, मैं तुम्हें खड्डे से बाहर निकाल लूं। और इस तरह वो नेत्रहीन सूरदास बाहर निकल कर आते हैं। बच्चा हाथ छुड़ा कर जाना चाहता है, लेकिन सूरदास कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बच्चा कहता है क्या बात करते हो महाराज, एक तो मैंने आपको गड्ढे में पड़े हुए थे मैंने आपको बाहर निकाला, और दूसरे आप कह रहे हैं कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको बचाया, मैंने आपको बाहर निकाला, मैंने गड्ढे में से आपको बाहर निकाला है और आप कहते हैं मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। अरे सूरदास कहते हैं बालक मुझसे तू छिप नहीं सकता, इस नेत्रहीन की तू नहीं जानता, इसकी भीतर की आंखें देख सकती है। तुम बालक नहीं हो, तुम तो बालक के रूप में मेरे कृष्ण कन्हैया हो जो मुझे गड्ढे में से निकालने के लिए आए हो। और ये कहकर बच्चा सूरदास का हाथ छुड़ाता है, मैं कोई कृष्ण कन्हैया नहीं हूं, मैं तो इधर से गुजर रहा था, तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। और जब बच्चा हाथ छुड़ाकर वहां से भगना चाहता है तो सूरदास फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ते हैं और कहते हैं हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। हे भगवान
मैं बूढ़ा आदमी हो गया, मैं नेत्रहीन हूं, मैं देख नहीं पाता हूं। हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान कर मोहे, मुझे निर्बल समझकर तुम हाथ छुड़ाकर तो जा रहे हो, पर याद रखना, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान कर मोहे, अरे दिल से अगर जाओ तो सबल में जानो तो ए, भगवान हाथ छुड़ा कर जाना तो तेरे हाथ में है, पर मेरे दिल से निकल कर बता दो तो मैं समझूं तुम ताकतवर है, क्योंकि भक्ति की शक्ति ईश्वर की शक्ति से भी महान बन जाया कर। खड़े थे सूरदास, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, गीत की बोल गा रहे थे सूरदास, और कहते हैं तभी आसमान से राधा और कृष्ण उधर से गुजरे। राधा ने कहा, प्रभु कैसी गजब करते हो, ये कितना जन्मों जन्मों से आपको याद कर रहा है, एक बार इसको दर्शन तो दो। कृष्ण कहते हैं, अरे इसके पास तो आंखें नहीं, हम चले भी जाएंगे तो ये पहचान ना पाएगा। तो राधा कहती है, चलो एक काम करते हैं, अरे हम इसको दृष्टि भी प्रदान करते हैं। कृष्ण और राधा दोनों सामने प्रकट होते हैं, सूरदास को बताते हैं कि जिन्हें तुम दिन रात याद करते हो वो तुम्हारे कृष्ण, वो तुम्हारी राधा, दोनों तुम्हारे सामने हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, जो तुम मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। सूरदास राधा से कहते हैं, हे माँ, अगर तुम दे ही सकती है तो मुझे केवल इतनी सी शक्ति दे दे। तुम कहते हो कि तीन त्रिलोकी के नाथ भगवान मेरे सामने आए हैं, मेरी एक ही अब जीवन की इच्छा है, अगर तुम दे सको तो मुझे आंखें दे दो, मुझे नजरें दे दो, मुझे ज्योति दे दो, अरे मुझे आंख दे दो, ताकि मैं प्रभु जी को निहार सकूं जो मेरे सामने आए हैं। राधा कहती है, तथास्तु। और राधा के तथास्तु कहते ही सूरदास की आंखों में ज्योति आ जाती है, सूरदास की आंखों में चमक आ जाती है, आंखें बिल्कुल पूर्णतया पूरे ब्रह्मांड को देखने में सफल हो जाती है। सूरदास, क्या जीवन का परम सौभाग्य रहा होगा उनका कि जीवन में पहली बार आंख खुली, पहली बार नजरें मिली, पहली बार ज्योति मिली, और ज्योति मिलते ही सामने कौन, तीन त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण और राधा उनके सामने खड़े हैं। सूरदास भाव विवल हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं की रसधार निकल जाती है, और भाव विवल होते हुए भगवान कृष्ण के चरण चूमते हैं, अपनी आंखों से उनके चरणों को स्नान कराते हैं, अपलक निहारते रहते हैं, अपलक निहारते रहते हैं। अरे जिनको मैं जन्म जन्म से याद कर रहा था वो श्री प्रभु मेरी आंखों के सामने अपलक 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 निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और तब राधा कृष्ण को इशारा करती है, प्रभु अपन को चलना है। और तब प्रभु सूरदास से कहते हैं, सूरदास हमें रजा दो। सूरदास कहता है, प्रभु मैं तो आज धन्य हो गया, कृत पुण्य हो गया, जन्म जन्म के सदभाग्य की पूंजी मुझे एक साथ मिल गई, आज तो मेरी किस्मत खुल गई कि नजरें मिलते ही आपसे नजरें मिल गई, प्रभान मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। और तब कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, रे भाई, जब राधा ने तुम्हें वरदान दिया है तो जाने से पहले मैं भी तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। कृष्ण ने कहा, जब राधा ने तुम्हें वरदान दिया है तो जाने से पहले मैं भी तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, बोल तुम्हें क्या चाहिए। तब सूरदास करबद्ध होकर, भाव विवल होकर भगवान से अनुरोध करते हैं कि प्रभु अगर आप दे सकते हैं तो अब मुझे ये वरदान दे दो कि जो आंखें राधा ने दी हैं वो वापस ले लो। क्या कहा, जो आंखें श्री राधा ने मुझे दी हैं मेरी वो आंखें वापस ले लो। कृष्ण कहते हैं, राधा कहते हैं, पागल है, अरे ये तुम्हें वरदान रूप में मिली है, तुम्हें आंखें मिली है, तुम कहते हैं वापस ले लो। तब सूरदास सजल नैनों से कहते हैं, हे श्री प्रभु, जिन आंखों से भगवान को निहार लिया अब इन आंखों से संसार को देखने की इच्छा नहीं है, इसलिए आंखें बस वापस ले जाओ, जैसी जिंदगी थी वैसी दे जाओ, मैं आपसे जीवन का ये पाठ पढ़ाना चाहता हूं। मेरे भाई, प्रार्थना के बोल, भक्ति के बोल, भीतर की अभीप्सा, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, मैं सांसों की सांस में, जहां तू खड़ा है मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां तू पुकारे मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां तू याद करे मैं तुम्हारे पास हूं, जहां तू प्रार्थना करे मैं तुम्हारे आस पास हूं। अरे ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं न हूं, तुम्हारे दिल में भी हूं, आत्मा में भी हूं, प्राणों में भी हूं, सांसों में भी हूं, बस तुझे केवल एहसास करना है, तुझे केवल निहारना है। एहसास करोगे हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं, हर पल पल इंसान इस बात का एहसास करता रहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं।
आज के दिव्य सत्संग का आनंद ले रहे हैं, हम कैसे पहुंचाएं प्रभु तक अपनी प्रार्थना। प्रार्थना हमारे भीतर के अहम को मिटाती है। पहला काम, प्रार्थना हमारे भीतर के अहम को मिटाती है और भीतर में सोए हुए अरहम को जगाती है। पहला काम, प्रार्थना का पहला परिणाम इस इंसान को यह मिलता है कि आदमी के भीतर जो अहम पल रहा है, जब तक व्यक्ति का अहम विगलित नहीं होता है, जब तक व्यक्ति का अहम नहीं छूटता, तब तक भीतर में छुपा हुआ अरहम इंसान के भीतर में साकार नहीं हो सकता। आदमी जब करबद्ध होता है, ब्रह्मांड की दिव्य तरंगे देखिए, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे हाथ की दशाएं कौन सी होती है, तब हमारी अंगुलियां आसमान की ओर होती है। ब्रह्मांड की दिव्य तरंगे हमारी अंगुलियों से हमारे भीतर प्रवेश करती है, ईश्वर की दिव्य कृपा हमारी इन्हीं अंगुलियों से हमारे भीतर प्रवेश करती है। हम करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे दिल के तार तुझसे जुड़ रहे हैं। प्रार्थना आदमी के लिए बल बनती है, प्रार्थना आदमी के लिए संबल बनती है, प्रार्थना आदमी के लिए आधार बनती है, प्रार्थना आदमी के लिए संकट मोचक बनती है, प्रार्थना आदमी के लिए दुख का निवारण करती है, प्रार्थना आदमी के लिए चिंताओं को दूर करती है, प्रार्थना आदमी को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है, प्रार्थना आदमी के दिल के तारों को परमात्मा से जोड़ती है, प्रार्थना आदमी को जीवन मूल्य प्रदान करती है, प्रार्थना आदमी को नैतिक संबल प्रदान करती है, प्रार्थना आदमी को जीवन का आधार दिया करती है। वे लोग ही जान सकते हैं इसकी शक्ति को, वे लोग ही पहचान सकते हैं इसकी ताकत को, जिन्होंने बहुत निष्काम भाव से परम पिता परमेश्वर से अपने दिल के तार जोड़े हैं। प्रार्थना हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, प्रार्थना हमारे मन को प्रफुल्लित करती है, प्रार्थना हमारी चेतना को तरोताजा करती है, प्रार्थना हमें संतोष देती है, प्रार्थना हमें जीना सिखाती है। प्रार्थना जब हम गाते हैं और गुनगुनाते हैं तो भगवान से हमारे तार जोड़ती है। आप जरा याद करो, जब हम गुनगुनाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, और तब जब इस गीत को गुनगुनाया करते हैं, इनके बोल को गुनगुनाया करते हैं, तो किस तरह है हमारे दिल के तार परमात्मा से जुड़ते हैं। तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही सखा हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। और जब इन बोलों के साथ व्यक्ति के दिल के तार प्रभु जी से जुड़ते हैं, आचार्य मान तुंग पहुंचा दिए गए थे जेल की सलाखाओं में, आचार्य से मान तुंग पहुंचा दिए गए थे जेल की सलाखाओं में। राजा भोज ने जब यह सुना कि आचार्य मानतुंग चमत्कारी संत हैं, उन्होंने उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि मानतुंग आचार्य, तुम्हें मेरी राजसभा में चमत्कार दिखाना पड़ेगा। आचार्य मानतुंग ने कहा, भगवान राजन, हम तो प्रभु की भक्ति चमत्कारों के लिए नहीं करते हैं, हम तो प्रभु की भक्ति केवल प्रभु को पाने के लिए करते हैं। हे दीनदयाल, अगर मैंने नरक से बचने के लिए तेरी प्रार्थना की हो तो मुझे नरक में जरूर डाल देना। हे दीनदयाल, अगर मैंने नरक से बचने के लिए तेरी प्रार्थना की हो तो मुझे नरक में जरूर डाल देना। अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तेरी प्रार्थना की हो तो मुझे स्वर्ग में कभी मत भेजना। अगर मैंने नरक से बचने के लिए तुम्हें याद किया हो तो मुझे नरक में जरूर डालना, और अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हें याद किया हो तो मुझे स्वर्ग में कभी मत भेजना। पर हे मेरे प्रभु, अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हें याद किया हो तो तुम मुझे जरूर मिल जाना, तुम मुझे जरूर मिल जाना, प्रभु जी तुम मुझे जरूर मिल जाना। आचार्य को राजा भोज कहते हैं, तुम्हें मेरी सभा में चमत्कार दिखाना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं, राजन, जो चमत्कार दिखाते हैं वे संत नहीं होते, जो संत होते हैं वे चमत्कारों में नहीं उलझते। अरे, दुनिया को वश में करने वाले संत नहीं होते, अपने आप को वश में करने वाले संत होते हैं महाराज, हम ये चमत्कार ममत्कार नहीं दिखाया करते। राजा भोज को आक्रोश आता है और तब राजा भोज आचार्य को बेड़ियों से जकड़ देता है, हथकड़ियों में जकड़ देता है और जेल की सलाखाओं में डाल देता है। इतनी गहरी जेल में डालते हैं जिसके 48-48 दरवाजे बने हुए हैं, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, चार दरवाजा, 48 दरवाजों के पार एक गहरी गहरी अंधेरी जेल में आचार्य मानतुंग को डाल दिया जाता है। और राजा भोज कहते हैं, मैं तुम्हारा चमत्कार देखना चाहता हूं, तुम्हें इस जेल से बाहर आना है। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, पूरा शरीर जंजीरों से बंधा हुआ है। आचार्य मानतुंग जेल में पहुंच जाते हैं, राजा कुपित हो जाता है, कारागार में पहुंच जाते हैं। पर वहां बैठे बैठे वो तो यही कहते हैं, प्रभु मुझे केवल भव बंधन का छुटकारा चाहिए, ये बंधन तो कभी
भी खुल जाएगा, पर जो भव भव का बंधन है, जो संसार की कारा है, मुझे उससे कैसे छुटकारा मिले। और तब जेल की में बैठे बैठे दुनिया में दो महान काम जेल में हुए थे जिनके लिए इतिहास सदा उन दो कार्यों को याद करता रहता है। नंबर एक, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल की सलाखाओं में हुआ था, और नंबर दो, भक्तामर स्तोत्र, जिसे आज पूरा देश लाखों लाख लोग रोज गुनगुनाया करते हैं। कहते हैं उसका निर्माण कहां हुआ, याद कीजिए कहां हुआ, कहां हुआ? कोई भगवान के समोसण में नहीं हुआ। जब किसी साधक के जीवन में इतनी भयंकर कष्ट की वेला आई, तब भी उन्होंने भगवान का सुमिरण भक्तामर स्तोत्र की रचना केवल इस भावना के साथ की कि प्रभु अपने आराध्य के हृदय तक अपने भाव पहुंचाने के लिए आचार्य श्री मां नतुंग ने अपने वहां पर दिव्य भाव प्रस्तुति की। और वही भाव प्रस्तुति भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणम मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम यजिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। और तब जेल की सलाखाओं में बैठे हुए आचार्य श्री मां नतुंग एक पर एक पदों की रचना कर रहे हैं, अपने दिल के तार प्रभु जी से जुड़ रहे हैं, और वो अपने भाव प्रस्तुति प्रभु जी को कर रहे हैं। करते 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 आचार्य श्री मां नतुंग जेल की सलाखाओं में बैठे हैं, पूरा शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और तभी महान चमत्कार होता है। भक्तामर स्तोत्र की रचना करते करते भक्ति के तार प्रभु से जोड़ते जोड़ते जंजीरों से जकड़ी काया बेड़ी से जंगाएं छिलती, जंजीरों से जकड़ी काया और बेड़ी से जंगाएं छिलती, वही जपे यदि नाम तुम्हारा बंधन की हर कारा करती, वही जपे यदि नाम तुम्हारा बंधन की हर कारा करती। कहते हैं तब मान तुंग उस जेल के कारागार की सलाखाओं में जकड़े हुए और जंजीरों से बंधे हुए, हथकड़ियों से बंधे हुए, बेड़ियों से बंधे हुए आचार्य मान तुंग तब भक्तामर स्तोत्र की रचना करते हैं, प्रभु के तार प्रभु से जोड़ते हैं, दिल के तार प्रभु से जोड़ते हैं, और धीरे धीरे उनकी बेड़ियां टूट जाती हैं, उनके बंधन खुल जाते हैं, उनकी जंजीरें टूट जाती है। इतना ही नहीं, वो जो जेल के दरवाजे होते हैं वो भी अपने आप खुल जाया करते हैं। और तब भगवान की भक्ति करते करते अपने अहो भाव से भरे हुए आचार्य मानतुंग बाहर निकल कर आ जाते हैं। राजा भोज उनके सामने नतमस्तक हो जाता है और तब कहता है, आज मैं मान गया ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की ताकत है, ईश्वर की प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। आज मुझे पता लगा परमात्मा की प्रार्थना में कितना बड़ा बल है। मेरे भाई, कोई आदमी जोड़कर तो देखे दिल के तार प्रभु जी से। आज जो मैं बातें कह रहा हूं ना, वो दिमाग की बातें नहीं है, आज जो मैं बातें कह रहा हूं वो आपके दिल की बातें हैं। क्योंकि दिल से आदमी जुड़ता है तो प्रभु जी मिलते हैं, दिमाग से जुड़े तो भगवान नहीं मिलते। दिमाग जब जब लगेगा तो तार भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पर दिल जब जब लगेगा तो आदमी के तार भगवान से जुड़ जाएंगे। मेरे भाई, आदमी भगवान को याद तो करता है, पर कब? जब पत्नी नाराज होकर पीहर चली जाए, आदमी भगवान को याद करता है, भगवान उसके मन को टिक कर मेरे घर में आ जाए। चोर जब चोरी करता है तो आदमी भगवान को याद करता है, मैं चोरी करूं पर पकड़ा न जाऊं। विद्यार्थी जब परीक्षा आती है तो भगवान को याद करता है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और जब परीक्षा का परिणाम आता है तब तो वो पूरा ही भगवान में डूब जाता है, अरे हे भगवान, मुझे पास कर देना, मेरा बेड़ा पार निकाल देना। और व्यापारी भगवान को तब याद करता है जब उसके ऑफिस में रेड पड़ जाती है, हे भगवान, हे भगवान, बस 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 ऐसा कुछ करना, इस अलमारी पर इसकी नजर ना जाए, इस खातों पर इसकी नजर ना जाए। नौकर भगवान को तब याद करता है जब उसकी नौकरी छूट जाती है, भूखा आदमी भगवान को भूख लगने पर याद करता है, पापी आदमी मौत के करीब पहुंच जाता है तो भगवान को याद करता है। और आपको पता है नेता आदमी भगवान को कब याद करता है? कोई नेता भगवान को कब याद करता है? पता है, पता है, जोर से बोलो। चुनाव आता, केवल चुनाव आता उस दिन उतना याद नहीं करता, जिस दिन चुनाव का परिणाम आ रहा होता है, बड़े से बड़ा नास्तिक आदमी भी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, दुख में सुमिरण सब करे और सुख में करे न कोई, अरे जो सुख में सुमिरण करे तो दुख का हे को। संकट की वेला आने पर इंसान भगवान को याद करता है। मैं ये कहता हूं संकट की वेला में संकट को निवारण करने के लिए उसी को दिव्य शक्ति मिला करती है, जो सुख की वेला में भी भगवान से अपने दिल के तार जोड़कर रखता है।
जो सुख की वेला में भी भगवान से अपने दिल के तार जोड़कर रखता है। लोग कहते हैं साहब मीरा बाई का जहर का प्याला अमृत बन गया, अभी हम जहर का प्याला लेवे और भगवान का नाम ले तो क्या अमृत बन जाएगा? मैं कहता हूं भगवान तब नहीं मिलता जब आप भगवान की परीक्षा लेते हैं, भगवान तब भी नहीं मिलता जब संकट की वेला में आप केवल भगवान को याद करते हैं। भगवान इंसान को तब मिला करता है जब वो शांति की वेला में, आनंद की वेला में, खुशियों की वेला में भी अपने दिल के तार उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ कर रखता है, तब आदमी प्रभु जी के श्री करीब पहुंचता है। अरे वो तो संकटहारी, अगर द्रौपदी भरी राजसभा में उसकी लाज लुटने की तैयारी हो गई और भरी राजसभा में दुशासन, एक और पितामह भीष्म बैठे हैं, एक और द्रोणाचार्य बैठे हैं, एक और कृपाचार्य बैठे हैं, एक और दुर्योधन और युधिष्ठिर बैठे हैं, और उधर राजसभा में धृतराष्ट्र बैठे हैं, सबके बीच जब दुर्योधन दुशासन से कहता है कि इसका चीरहरण कर लिया जाए, इस नारी की लज्जा को लज्जित कर दिया जाए, इन्हें बताया जाए कि मेरे साथ जुआ खेलने पर और मैं किसका कितना हस्त्र कर सकता हूं, और तब वो पितामह भीष्म से कहती है द्रौपदी कि पितामह भीष्म आप मेरी लाज को बचाइए, पर अपने वचनों से बंधे हुए पितामह चुपचाप रह जाते हैं। और तब वो द्रौपदी धृतराष्ट्र से कहती है कि आप हमारे कुल के सबसे बड़े हैं और राजा है, आप मेरी लज्जा को बचाइए। वो मोह की अंधी पट्टी बांधकर बैठा धृतराष्ट्र जवाब नहीं दे पाता है, द्रोणाचार्य कृपाचार्य इधर युधिष्ठिर भीम जैसे महाबली अर्जुन जैसे धनुर्धर सब चुपचाप बैठे रह जाते हैं। और तब दुशासन खड़ा होता है और खड़ा होकर एक नारी की इज्जत को लूटने की कोशिश करता है, एक नारी के चीर को हरण करने की कोशिश करता है। और तब द्रौपदी समझ जाती है जब दुनिया में इंसान के कोई काम नहीं आता तब भी एक शक्ति, तब भी एक भक्ति, तब भी एक तार जो ईश्वर से जुड़ जाता है और तब इंसान के काम आता है। और तब द्रौपदी आंख बंद करके पुकारती है, प्रभु को पुकारती है और पुकार कर कहती है बिन काज आज महाराज लाज गई मौरी, अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में ते, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी कि दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे प्रभु बिना काज आज मेरी लाज जा रही है, प्रभु ऐसा कुछ करो मेरे दुखों का निवारण करो। और तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड की ईश्वर की दिव्य शक्ति, भगवान हर चीज लौटाया करते हैं। द्रौपदी ने अपने युवा अवस्था में जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपनी अंगुली में चक्र चलाया था और चक्र चलने के बाद उनकी अंगुली में खून आ गया था, तब द्रौपदी ने अपने ही चीर को फाड़कर और भगवान कृष्ण की अंगुली पर क्या किया था पट्टी बांधी थी। और उस समय कृष्ण ने कहा था हे छोटी बहन, हे कल्याणी, तूने आज मेरे अंगुली पे वस्त्र बांधा है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ब्याज सहित इसको चुकाऊंगा। और तब कृष्ण उसी समय जब द्रौपदी कहती है बिन काज आज महाराज लाज गई मौरी कि दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोहरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोहरी। और तब द्रौपदी का चीर बढ़ना शुरू होता है, दुशासन हार जाता है, दुर्योधन की दुर्नीति हार जाती है, युधिष्ठिर देखता रह जाता है, भीम अर्जुन देखते रह जाते हैं हो क्या रहा है, तब ईश्वर की शक्ति काम आती है और इस तरह द्रौपदी की लाज बच जाती है। तारा है सारा जमाना प्रभु, अब तो किसको तारो, हमको भी तारो, हमारे दिल के तार भी अपने से जोड़ो। आओ मेरे भाई हम प्रार्थना के लिए अपने बोल बढ़ाते हैं। मैं हर आदमी से कहना चाहूंगा हर इंसान को अपने दिल के तार प्रभु से अवश्य छुड़कर रखना चाहिए। आप यहां आए मुंबई में, मान सकते हैं कि आपके लिए पत्नी आपका सहारा है, पत्नी सोच सकती है कि मेरा पति मेरा सहारा है, पर एक बार दोनों आंख बंद करके सोचो कि आप दोनों का सहारा कौन है। पत्नी को लगता है पति मेरा सहारा है संकट की वेला में, और पत्नी को लगता है पति मेरा सहारा है संकट की वेला में, पर एक बात आंख बंद करके सोचो कि जब दोनों विपत्ति में होते हैं तो दोनों का सहारा, जब दुनिया का सारे सहारे इंसान के हाथ से निकल जाते हैं, इंसान बेसहारा हो जाता है, तब भी उसका सहारा इंसान के काम आता है। और जो इंसान उस पर परम विश्वास रखता है, उस पर अपनी परम श्रद्धा रखता है, उस पर अपनी परम आस्था रखता है, वक्त हो या बेवक्त ईश्वर उसके जीवन में मदद के द्वार
जरूर खोला करता है। कोई दैवीय शक्ति उसके जीवन में आती है, मदद का द्वार जरूर खुलती है। आपके सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटित हुई होगी जब आपको लगा होगा ओ भगवान ने बचाया। सबके जीवन में कभी ना कोई ऐसी घटना घटित होती है, अरे हम सड़क पर चल रहे थे, अचानक लगा जैसे कोई बस पास से गई है और हमारे कंधे के कपड़े से, कंधे के पास लगे हुए सर्द के कपड़े से चिपक कर गई और हम बच गए। तब भीतर से आवाज आती है ओ भगवान ने बचा लिया। मेरे भाई ये भगवान कौन है? ये भीतर में जो भक्ति के भाव उठते हैं, जो भीतर में प्रार्थना के भाव उठते हैं और जो व्यक्ति वक्त बेवक्त में हमेशा उससे अपने तार जोड़ कर रखता है। भगवान हमें रोज 24 घंटे देता है। कितने? 24 घंटे देता है। आओ एक काम करते हैं, वो हमें 24 घंटे का कोई किराया लेता है? नो, लेता है कोई किराया? कोई टैक्स चुकाना पड़ता है? कोई 24 घंटे की जीएसटी देनी पड़ती है? कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ चार्ज। और ऐसा नहीं कि उसने 1 जनवरी को हमें 24 घंटे दिए थे, उसने हमें 2 जनवरी को भी दिए थे। और ऐसा नहीं 2 जनवरी को दिए, सच्चाई तो यह है कि 31 दिसंबर को भी दिए। और यह मत समझो केवल 2001 में दिए थे, उसने हमें 2018 में भी दिए हैं। यह उसकी मेहरबानी है। कोई जीएसटी नहीं लेता, कोई टैक्स नहीं लेता, कोई शुल्क नहीं लेता और निःशुल्क हमें पूरी जिंदगी देता है, रोज जिंदगी देता है। 365 दिन साल के हमें देता है, 30 दिन महीने के हमें देता है, 7 दिन सप्ताह के हमें देता है, 24 घंटे रोज के हमें देता है, 60 मिनट हर घंटे के हमें देता है और 60 सेकंड हर मिनट में हमें देता है। वो बड़ा मेहरबान है। अगर आप जिंदगी के सेकंड जोड़ें तो पता लगेगा कितने अरब सेकंड की जिंदगी उसने फ्री ऑफ चार्ज निशुल्क बिल्कुल हमें दी है। अरे उतना बड़ा कर्ज उसने हम पर किया, क्या हमारा कोई फर्ज नहीं होता कि हम उसके प्रति शुक्राना अदा करें? आओ पहला निर्णय ये करते हैं, हम जब भी प्रार्थना करेंगे भगवान से कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, शुक्राना अदा करेंगे। हमारी आदत ये पड़ गई है, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया, उसको ये दिया, मुझे ये नहीं दिया। प्रार्थना तब अधूरी रहती है जब इंसान शिकायत करता है, प्रार्थना तभी पूरी होती है जब आदमी शुक्राना अदा करता है। जब हम केवल शिकायत करते रहेंगे भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, अरे हम ये सोचें कि भगवान तूने ये नहीं दिया, मुझे महल में होना था, तूने मुझे कहां पैदा किया। रोज सुबह उठकर प्रभु जी के प्रति शुक्राना अदा किया करो, हे प्रभु मेरी तो ये औकात नहीं थी कि मैं आज इतना अमीर बनता, ये तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। भगवान तूने पहले से मुझे इतना दे रखा है जिसके कर्ज को चुकाना छोड़ो चुकाने की सोच भी नहीं सकता। भगवान अरे मैं तो कच्ची बस्ती में पैदा होने लायक था। कहां पर? मैं तो कच्ची बस्ती में पैदा होने लायक था, प्रभु जी तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने मुझे अच्छी बस्ती में पैदा कर दिया। अरे मेरी किस्मत तो ऐसी थी, मैं जिंदगी भर मजदूरी करता रहता और अपनी रोटी पानी की व्यवस्था करता रहता, पर भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है कि तूने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। प्रभु जी तूने मुझे गरीब के घर में पैदा किया, पर तेरी मेहरबानी है, मेरी किस्मत कमजोर थी, मेरी भाग्य कमजोर थे, मेरी किस्मत कमजोर थी, सो प्रभु तूने मुझे एक गरीब घर में पैदा किया, लेकिन तूने मेरा साथ ऐसा दिया। किस्मत क्या होती है जब तेरी मेहरबानी होती है? भाग्य क्या होते हैं जब भगवान की मेहरबानी होती है? अरे लक्ष्मी क्या होती है जब लक्ष्मीपति की मेहरबानी बरस जाया करती है प्रभु? और तेरी मेहरबानी का यह परिणाम निकला, किस्मत का मारा यह इंसान जो बचपन में गरीब के घर में पैदा हुआ, फटी हुई हाफ पैंटे पहन पहनकर जिसने अपने जीवन का निर्माण किया, अरे पड़ोसियों के यहां पर नाश्ता कर करके जिसने जीवन का निर्माण किया और पड़ोसियों के फटे हुए शर्ट को पहन पहन कर जिसने अपने जीवन का निर्माण किया और 100 रुपया किसी से उधार लेकर जो अपने गांव से मुंबई चलकर आया था, भगवान ये तेरी मेहरबानी है कि तू अगर चाहे तो किस्मत के मारे को भी मारा नहीं रहने देता, तू अगर चाहे तो किस्मत को भी किनारे पटक देता है। और तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। भगवान मैं जानता हूं कि तूने मुझे कहां से कहां तक पहुंचाया, क्या मेरी अस्मिता थी, क्या मेरी औकात थी, क्या मेरी किस्मत थी, क्या मेरे भाग्य थे। अरे एक गरीब के घर में मैं शादी करके आई थी भगवान, पर तेरी मेहरबानी है कि तूने मेरे पति को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आज मैं इतनी बड़ी अमीर घर की बहू कहलाती हूं। ये सब प्रभु तेरी मेहरबानी है, तूने मुझे आंखें दी। अरे इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको पांव नहीं मिले किस्मत के मारे, जिनको आंखें न मिली किस्मत के मारे, जो जवान से बोल नहीं पा रहे किस्मत के मारे। भगवान मेरा नंबर भी उन्हीं में था,
सच्चाई तो यह है प्रभु जी, मेरा नंबर भी उन्हीं में था। अरे मेरी आंखें ना होती तो दुनिया में कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता, भगवान मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता, अगर मेरी आंखें ना होती, जबान ना होती, मेरे पांव ना होते। प्रभु जी मैं इसलिए मंदिर नहीं आ रहा हूं कि मुझे तुम्हारा दर्शन करना है, मैं इसलिए मंदिर आ रहा हूं क्योंकि तूने मुझे आंखें दी है, तुम्हें मंदिर आकर शुक्राना अदा कर रहा हूं, मैं तेरे द्वार पर अपने पांवों से आकर शुक्राना अदा कर रहा हूं, मैं इसलिए तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूं क्योंकि तूने मुझे हाथ दिए, मैं तुम्हें इसलिए बार बार निहारता हूं क्योंकि तेरे प्रति शुक्राना अदा कर सकूं कि तूने मुझे आंखें दी है। इसलिए श्री प्रभु के द्वार पर जब उनसे प्रार्थना करो तो ये मत कहना भगवान तूने ये नहीं दिया। ये शिकायत जब जब इंसान करता रहेगा तब तक परिणाम से वंचित रहेगा। जो मिला है उसका आनंद उठाइए, उसका शुक्राना अदा कीजिए, जो नहीं मिला है उसकी शिकायत और गिला करने की कार्रवाई बंद कीजिए। प्रार्थना के लिए पहली जरूरत और वो है कि प्रार्थना शिकायत भरी ना हो, प्रार्थना शुक्राना भरी, क्या हो, शुक्राना भरी हो, भगवान तूने खूब दिया है, मेरी किस्मत से ज्यादा दिया है, मेरे भाग्य से ज्यादा दिया है, मेरी योग्यताओं से ज्यादा दिया है, मेरी ताकत से ज्यादा दिया है, मेरे 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 मेरी भुजाओं से ज्यादा दिया है, मेरी मेरी शक्ति से तूने मुझे ज्यादा दिया, भगवान मेरी जो औकात थी तूने उससे भी मुझे ज्यादा दिया। इसलिए प्रार्थना के बोल में अपने मन की भाव दशाओं को निर्मल करके, अपने चित्त की स्थिति को पवित्र करके, अपने शरीर को शुद्ध और निर्मल करके, अपने विचारों को निर्मल करके, जब इंसान अपने दिल के तार उस प्रभु से जोड़ता है, परम पिता परमेश्वर से जोड़ता है, आंख बंद करके अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आदमी जब श्री प्रभु से अपने तार जोड़ता है, मेरे भाई भगवान हमें रोज 24 घंटा देता है और हर घंटे में 60 मिनट देते हैं। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहूँगा, प्रार्थना का अगर जिंदगी में परिणाम पाना है, भक्ति की अगर शक्ति देखनी है, अपने जीवन का अगर उद्धार करना है, आत्मा का अगर उद्धार करना है, अपनी भाव दशाओं को अगर उच्च श्रेणी में पहुंचाना है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है भगवान हमें रोज 1 घंटे में 60 मिनट देता है और रोज 1 दिन में 24 घंटे देता है। केवल एक काम करो, हर 1 घंटे में से 1 मिनट, कितना कितना मांग रहे हैं प्रभु जी, हमें कह रहे हैं केवल 1 मिनट, 60 मिनट हर घंटे में मिले। आप उस 60 मिनट में मोबाइल पे गप्पे भी मार गए, पत्नी से मजाक भी कर गए, दोस्तों से हंस खिल भी गए और धंधा पानी भी कर गए, केवल 1 मिनट आपको हर घंटे में निकालना है, तो 24 घंटे में कितने मिनट, कितने हुए, कितने हुए, कितने हुए, 24 मिनट हो गए। अरे मेरे भाई तुलसीदास तो कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनी आत, कितनी एक घड़ी आधी घड़ी, लगता है 24 मिनट भी भारी पड़ रहे हैं, तो 1 घंटे में 120वां हिस्सा कितना हुआ, 1 घंटे का 120वां हिस्सा कितना हुआ, आधा मिनट। अरे इंसान अगर एक एक घंटे में से आधा मिनट भी निकाले तो 24 घंटे में कितने हो गए, 12 मिनट। एक घड़ी आधी में पुनी आध, अगर आधी से भी आधा घड़ी अगर इंसान अपने दिल के तार प्रभु जी से जोड़ ले, बेड़ा पार हो जाएगा। नंबर 2, प्रार्थना करते समय मन में प्रश्न की बजाय मन में भरोसा होना चाहिए। पहला मैंने कहा शिकायत ना हो, शुक्राना हो। नंबर 2 मैं आपको कह रहा हूं, प्रार्थना करते समय मन में संशय ना हो, मन में प्रश्न ना हो, मन में शुक्राना के साथ साथ श्री प्रभु पे भरोसा हो। जैसे कोई बच्चा पापा की अंगुली पकड़ता है तो ये पता नहीं करता कि पापा उसे कहाँ ले जा रहे हैं, जहां वो ले जाए वहां वो पहुंच जाता है। जब गुरु अपने शिष्य को सदज्ञान देता है तो शिष्य ये चिंता नहीं करता कि गुरु मुझे कौन से रास्ते पर ले जाएगा, जब उसके हाथ अपनी नैया कर दी वो जहां ले जाए वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे श्री प्रभु की जब प्रार्थना करो और उसके हवाले जब अपनी जिंदगी करो तो मन में प्रश्न की बजाय, मन में संशय की बजाय एक ही चीज पैदा करो, वो है भरोसा पैदा। मुझे याद है एक महिला, अचानक उसने अपने दोनों बेटों को फोन किया, एक रहता था मुंबई और दूसरा रहता था बेंगलोर। उसने अपने दोनों बेटों से फोन किया कि बेटा मुझे जरूरी काम है, कल के कल मेरे पास पहुंचो। एक मुंबई में जॉब कर रहा था, एक बेंगलोर में जॉब कर रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में बात की, माँ को वापस फोन किया, मम्मी ऐसी क्या जरूरी काम है मैं ऑफिस, जो भी हो मैंने कहा ना कल दोपहर में तुम दोनों भाई मेरे पास पहुंचोगे, गाँव पहुंचोगे। ठीक है, बेंगलोर वाले ने बेंगलोर से ऑफिस की छुट्टी ली, मुंबई वाले ने मुंबई से ऑफिस की छुट्टी ली और दोनों बच्चे पहुंचे मम्मी के पास। बोलो माँ जी, कहा नहीं बस बेटा तुमसे मिलने का मन हो गया, मैंने इसलिए बुलाया है, चलो आओ तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ हमारे कौन कौन से खेत हैं, कौन कौन सी जमीनें हैं, कौन कौन से मकान हैं, गांव में तुम्हारी जमीन कौन सी है, पास वाले शहर में जमीन कौन सी है। मैं दोनों बेटों को बराबर उसका हिस्सा देना चाह रही हूँ।
बच्चों ने कहा मां यार तुम भी कैसी है? इतने से काम के लिए ऑफिस की छुट्टियां दिलाकर अर्जेंट हमें बुलाया। अरे कभी भी हम नहीं नहीं बेटा कभी वभी कुछ नहीं, वक्त का पता नहीं लगता, मुझे आज काज करना है। और सारी लिखा पढ़ी की, शाम को दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर रवाना किया। अगले दिन वो महिला पास के शहर में गई जहां पर वो अपनी जांच कराकर आई थी और जाकर कहा डॉक्टर साहब अब आप आराम से मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। कौन सा ऑपरेशन? ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे साथ कौन है, तुम तो अकेले आ गई, ऑपरेशन कर लो, जो कि खाना खाने आई हो ऐसे आ गई, कोई 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 मिठाई थोड़ी खानी है, ऑपरेशन करना है और कोई फोड़े फुंसी का ऑपरेशन नहीं है ये। ये ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है, बड़ा खतरनाक ऑपरेशन होता है। अरे हम ऐसे नहीं कर सकते, सारी लिखा पड़ी होगी, तुम्हारे परिवार के लोग आएंगे। उसने कहा मैंने कहा ना डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो। तो बड़े डॉक्टर ने पूछा बताओ तुम्हारे साथ कौन है? तो महिला ने हाथ ऊपर किया, कौन है कौन है, समझ में आ गई कौन है? वो ऊपर वाला मेरे साथ है। महिला ने हाथ ऊपर करके कहा डॉक्टर साहब वो ऊपर। अरे डॉक्टर ने कहा ऐसे को ऊपर वाले के भरे से ऑपरेशन? महिला ने कहा डॉक्टर साहब ऊपर वाले भरे से ऑपरेशन नहीं, ऊपर वाले के भरोसे तो जन्म और मृत्यु और जीवन पूरा चलता है, ये संसार पूरा ऊपर वाले के भरोसे चलता है और तुम एक ऑपरेशन की बात करते हो। सारी लिखा पढ़ी करा ली गई, जन्म मृत्यु की सारी चीजें नोट करवा ली गई। अंततः महिला के जिद करने पर डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया। उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ, 6 घंटा ऑपरेशन चला। 3 दिन के बाद महिला को पूरा होश आया तो उसने अपने पास में खड़ी हुई नर्स से कहा कि बहन ये मैं दो तुम्हें नंबर दे रही हूं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, इन दोनों को फोन कर दो कि तुम्हारी मां का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें याद कर रही हूं। नर्स भौचक की रह गई, मतलब तुम्हारे बेटा भी है, इतने निकम्मे बेटे हैं तुम्हारे, हैं तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा तेरा ऑपरेशन हुआ और दो में से एक भी बेटा नहीं। उसने कहा नहीं 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 मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सच्चाई तो यह है उन्हें तो पता भी अब लगेगा कि मेरे ऑपरेशन हुआ है। वो नर्स और भौचक की रह गई, मतलब तूने अपने बच्चों को बताया था? नहीं नहीं मैंने नहीं बताया। तो तू किसके भरोसे आ गया? अरे बोला ना, किसके भरोसे, किसके भरोसे बोला ना, जब उसके भरोसे आ गए तो तू क्यों माता लगा रही है? तू तो बस दोनों को फोन कर दे कि तुम्हारी मां याद कर रही है, उनके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। बच्चे तो भौचक के रह गए कि मां पागल हो गई है, क्या कर रही है? 5 दिन पहले हमको बुलाया था कि धन का बंटवारा करना है, जमीन का बंटवारा करना है और आज ये कहला रही है ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, ये मम्मी कर क्या रही है? भगे भगे दोनों फ्लाइट पकड़कर अपने शहर गांव में पहुंचे, शहर में अस्पताल में गए, देखा मम्मी का पूरा माथा खुला हुआ है और ब्रेन ट्यूमर का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आईसीयू में मम्मी लेटी हुई है और ये सब, और इधर ये ड्रिप चढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चारों तरफ नर्स उसकी सेवा कर रही है। और तब उन्होंने आकर मम्मी को चिल्लाते हुए कहा मम्मी यार तुम भी गजब की महिला हो यार, ये कोई तरीका होता है? हमें 7 दिन पहले तुम्हें बुलाया था और बुलाकर धन का बंटवारा किया, ये तूने धन के बंटवारे के लिए बुलाया और उस समय बताया भी नहीं हमको कि इतना बड़ा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो रहा है, तुम्हें कुछ हो जाता तो? बच्चों वो है ना, क्या वो है ना मम्मी, हर समय आपको वो है ना, वो है ना। बेटा तू नहीं जानती जब तू मेरे पेट में था, चल आज मैं तुम्हें रहस्य बताती हूं कि मैं बार बार क्यों तुम लोगों को कहती हूं वो है ना, तो आज मैं रहस्य खोल देती हूं। जिसके बलबूते में अकेली ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने के लिए यहां पर आ गई, आज मैं रहस्य तुम दोनों बच्चों को बताती हूं। मेरे प्यारे बच्चों तुम दोनों ट्विंस पैदा हो गए। हाँ ये तो हमें पता ही है मम्मी, तुम क्या बता रहे हो उसमें? अरे ये नहीं बता रही हूं, इसके पहले की घटना बता रही हूं। मेरे प्यारे बच्चों तुम मेरे पेट में थे, 9 महीने पूरे हो गए, तुम लोगों का जन्म न हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और मेरे ऑपरेशन की तैयारी हुई तभी मेरी तबीयत बिगड़ गई, मेरा बीपी भयंकर हाई हो गया। बच्चों तब डॉक्टर ने, इसी अस्पताल के एक बड़े डॉक्टर ने तुम्हारे पापा को, दादा को, दादी को बुलाया और बुलाकर हस्ताक्षर कराए थे और हस्ताक्षर कराकर यह लिखाया था कि इस महिला की तबीयत बिगड़ गई है, अब इसको बचाना बहुत टेढ़ी खीर है, हम ऑपरेशन करने ले जा रहे हैं, या तो जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा, दोनों नहीं बच सकते। क्या बचेगा? या तो मां बचेगी
जन्म देने वाली जननी बचेगी, और या फिर बच्चे बचेंगे, दो में से एक बचेगा, या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, दोनों को बचाना नामुमकिन है। बेटा तुम्हारे पापा ने भी हस्ताक्षर कर दिए, तुम्हारे दादा ने भी हस्ताक्षर कर दिए, तुम्हारी दादी ने भी साइन कर दिए, मेरे मम्मी पापा ने भी उस पर साइन कर दिए, और अंततो गत्वा तुम्हारे पापा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब माँ को बचा लेना, दो बच्चे और माँ दो में से एक को बचाने की नौबत आए, डॉक्टर साहब जैसे तैसे मेरी पत्नी को बचा लेना, मेरी पत्नी को बचा लेना, मेरी पत्नी को बचा लेना। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, मुझे लेटी हुई को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, मेरी आंखें आसमान की ओर थी, और तब मैंने हाथ जोड़कर श्री प्रभु से कहा था कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की है, तुम्हारी अर्चना की है, तुम्हारी प्रार्थना की है, मैं दिन रात तुम्हारे नाम का सुमिरन करती रही हूँ, अरे मेरे जीवन की डोर डॉक्टर के हाथ में कैसे आ गई। कहते हैं जन्मदाता भी तू है, जीवनदाता भी तू है, और मुक्तिदाता भी तू है। जीवन भी तू देता है, जन्म भी तू देता है, और इंसान को जन्म जन्म से मुक्ति भी तू देता है, फिर मेरे जीवन की डोर एक डॉक्टर के हाथ में कैसे आ गई भगवान। ये डॉक्टर कहते हैं या तो जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा, पर हे प्रभु तू चमत्कार करना, दोनों को बचा देना। क्या कहा उसने, अपनी जीवन की डोर मैं डॉक्टर को अब नहीं सौंप रही प्रभु, मैं तेरे हवाले कर रही हूं, और तू ये साबित करना, जन्म देने वाला, जीवन देने वाला और मुक्ति देने वाला डॉक्टर नहीं होता, वो परमपिता परमेश्वर होता है। ईश्वर मेरे अपने दिल के तार में तुझसे जोड़कर जा रही हूं। बेटा मुझे अंदर ले जाया गया, मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई, मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, पर मुझे कुछ घंटों के बाद तेरे पिता मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे, तेरी दादी मेरे सामने मुस्कुरा रही थी, तेरे दादा सामने मुस्कुरा रहे थे, तेरे नाना नानी मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे मेरे बच्चों, और तब मुझे यह बताया गया जच्चा भी बच गया, और बच्चा भी बच गया, मां भी बच गई, और बच्चे भी बच गए। मेरे प्यारे बच्चों, जब कुछ दिन पहले मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तब मुझे याद आया मैं अपने दोनों बच्चों को बुलाऊं और बुलाकर उन्हें बताऊं और इलाज कराऊं, तब मेरे मन में आया अरे तब भी मैंने अपने जीवन की डोर उसके हाथ में सौंपी थी, आज मैं अपने बच्चों के हाथ में नहीं सौंपूंगी, आज फिर मैं अपनी जीवन की डोर उसी के हाथ में सौंपूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये उसी का चमत्कार है। डॉक्टरों ने कहा था बड़ा पाजी ऑपरेशन है, पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने डॉक्टर के हवाले और बच्चों के हवाले जिंदगी की होती तो मुझे नहीं पता मैं बचती कि नहीं बचती, पर मैंने भगवान के वाले की समय बची हुई। आसरा इस जहां में तेरा चाहिए, किसका? मैं इसीलिए आपको कहता हूं, हर आदमी को प्रार्थना के बोल जरूर गुनगुनाने चाहिए। अगर आप बच्चे हैं तब भी प्रार्थना, आपको याद है ना अपन बचपन में स्कूल जाते थे, कितना गजब है, स्कूल जाते थे तब तो प्रार्थना करते थे, और स्कूल जाना बंद हुआ तो सुबह की प्रार्थनाएं भी भूल गए। पहले अपन बचपन में गाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये सब प्रार्थना स्कूलों में गाया करते थे ना, और सब हम भूल गए, क्योंकि जब स्कूल में मास्टर जी प्रार्थना कराते थे तब हम प्रार्थना के बोल गा लिया करते थे। अब हम जिंदगी में उन प्रार्थनाओं को भूल गए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी बचपन में उसके हवाले की थी, और बचपन में किन्हीं बच्चों के हवाले हमने अपनी जिंदगी कर दी। आदमी को चाहिए रोज, मैं तो कहूंगा पुलक भाव के साथ, आनंद भाव के साथ, बहुत भक्ति भावना के साथ, बहुत लगन के साथ, रसमयता के साथ, ललक के साथ, अभीप्सा के साथ, मन के तार जोड़कर आदमी प्रभु से प्रार्थना करे। आपको पता है, हमें खुद को पता है कि आदमी रोज 5 मिनट उसमें समय निकल जाता है, इसके बजाय वो समय प्रवचन में दें, पर हम प्रार्थना और मंत्रोच्चार शुरुआत में क्यों कराते हैं? केवल सत्संग ही व्यक्ति के भव निस्तार का कारण नहीं बनेगा, साधन नहीं बनेगा, सत्संग से पहले जरूरी है श्री प्रभु के हाथों में हम अपनी अंगुली पकड़ा, और श्री प्रभु के हाथों में अंगुली पकड़ाने के लिए ही अपन प्रवचन में शुरुआत किससे करते हैं? पहले प्रार्थना से करते हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं, रविवार की अलग प्रार्थना, मंगलवार की, सोमवार की, ताकि हर दिन हम श्री प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, और जब उसके हवाले अपनी जिंदगी कर दी, जब से पता लग गया कि वो मेरे साथ है, सोचना बंद कर दिया कि कौन अपने खिलाफ है, जब से पता लग गया कि वो अपने साथ है, तब से सोचना ही बंद कर दिया कि कौन अपने खिलाफ है। रोज प्रार्थना के बोल, मैं तो कहूंगा घर में संस्कार डालो, सारे घर के लोग सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए हैं, अगर बच्चों की जल्दी स्कूल है तो घर के अभिभावक जल्दी जगने की आदत डाली,
और कोई दिन नहीं मिलता है, कम से कम रविवार के दिन ही तो सही आराम से कर सकते हैं। सुबह 8:30 बजे का समय निर्धारित तो हो गया है। सारे बच्चे, परिजन, बहुएं, दादा दादी, मम्मी पापा, जो भी घर में लोग हैं, घर में जो आपने भगवान का पूजा का आला बनाया हुआ है, मंदिर जाने की सुविधा हो मंदिर चले जाओ, थानक जाने की सुविधा हो थानक चले जाओ, नहीं तो अपने ही घर में जो भगवान का पूजा ग्रह आपने बना रखा है वहां पर बैठकर 10 मिनट अपने मन के तार प्रभु जी से जोड़े। हे प्रभु, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुनिया तेरे हवाले है। प्रभु जी तू चाहे जैसे इसे संभाले, मेरे जीवन तो अब तेरे हवाले। और बैठकर कुछ भी नहीं आता ना, ये प्रार्थना का कार्ड तो सबके पास है ना, इसकी और कॉपियां मंगवा देता हूं, सबको 25-25 कॉपियां उपलब्ध करा देते हैं हम। और अपने घर में, अपने पूजा ग्रह में उन 25 कार्ड को रखिए। अरे मैं तो कहता हूं, घर में कोई मेहमान भी आ गया ना रविवार को, तो प्रार्थना को मत छोड़िए, मेहमान को पास में बैठा लीजिए। भैया 8:30 से 9 बजे का समय हमारा प्रार्थना का है, हम इस समय बैठकर प्रार्थना करते हैं, आप भी आकर बैठ जाओ, इससे आने वाले व्यक्ति पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। ये घर धार्मिक है, ये घर सात्विक है, ये घर ईश्वर से जुड़ा हुआ है, इस घर के परमाणु पुद्गल निर्मल है, इस घर का आभा मंडल उज्ज्वल है, इस घर का वास्तु दोष नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर स्वयं प्रभु विराजमान। और अपन 10 मिनट तक बैठकर जो कोई प्रार्थना आती है, और कोई भी प्रार्थना नहीं आती, हरे रामा हरे कृष्णा तो आती है, नमो हरियंताणम तो आता है, गायत्री मंत्र तो आता है, बस उसी को शुरू कर दिया। अरे कुछ भी नहीं आता, छोटी मोटी प्रार्थनाएं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, ये प्रार्थनाएं तो आती है ना हमको, जो बचपन में हमने सीख रखी है। और इन प्रार्थनाओं के बोल को गुनगुनाइए। मैं कहता हूं अपने ऑफिस पहुंचे ना, सीधे जाके ताला खोल के ऑफिस में मत बैठ जाइए। ऑफिस का जितना स्टाफ है, आपको लगता है ना आपका 5 मिनट व्यर्थ जा रहा है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है आप प्रयोग करके देखिएगा, आप में से किसी भी व्यक्ति की कोई फैक्ट्री है और उसमें 150 स्टाफ काम कर रहे हैं, आप वहां पहुंचिए, सारे स्टाफ को एक जगह पर इकट्ठा कीजिए, और जहां पर शांति, जहां पर पूर्णतया विश्राम, जहां पर पूर्णतया निर्मल भाव दशाएं बन सके, ऐसा जो आपके फैक्ट्री में स्थान है, सब लोगों को वहां खड़ा कर दीजिए, सामने आप खड़े हो जाइए, 150 स्टाफ को सामने खड़ा कर दीजिए, 5 मिनट तक उनसे प्रार्थना कराइए। कोई प्रार्थना ना मिले, हमारे यहां से 200 कार्ड भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें प्रार्थना कराइए। आप केवल 5 मिनट प्रार्थना के लिए लगाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपका फैक्ट्रिक उत्पादन 150 गुना बढ़ जाएगा, न बढ़े तो आप मुझे आकर कहते। केवल 5 मिनट आप श्री प्रभु से, इससे उन फैक्ट्री में काम करने वाले स्टाफ की भावदशा निर्मल हो जाएगी। अब ये काम चोर नहीं रहेंगे क्योंकि अपने दिन की शुरुआत ही, अपने काम की शुरुआत उन्होंने ईश्वर के नाम के साथ की है, उनके मन में एक प्रकार की भक्ति रहेगी, एक प्रकार की भावना रहेगी, मैंने ईश्वर के नाम से आज दिन की शुरुआत की है, मैं अच्छे काम करूंगा। अपने घर में बच्चे भी है ना, बचपन से संस्कार डाल दो, बड़े होने पर बच्चे आपके इसलिए कहने में नहीं रह पाते क्योंकि बचपन में हम संस्कार डाल नहीं पाते, और फिर मन में शिकायत रहती है, मेरा बेटा 22 साल का हो गया, मेरी बेटी 23 साल की हो गई, कहो तो मानते नहीं, भगवान के मंदिर जाते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, पूजा करते नहीं, क्योंकि हम बचपन में बीजारोपण नहीं कर पाए। अगर बचपन से ही आपने देखा होगा ना, ये जैनियों के घरों में 2-2 साल के बच्चों को नौकार मंत्र याद होते हैं, किस कारण? 8-8 साल के बच्चे 28 कर लेते हैं, 4-4 साल, अभी हमारा बेंगलोर चतुर्मास था, 4 वर्ष के बच्चे ने 3 दिन का उपवास तेला कर दिया, किस कारण? जिनके साथ बच्चा रह रहा है वहां जैसा उसे माहौल मिल रहा है बच्चे का जीवन वैसे ही ढलना शुरू होता है। अगर रोज सुबह आप बैठकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आप देखना बच्चा अपने आप पास में आके बैठ जाएगा, तुतलाता बोलेगा, हे प्रभु आनंद दाता गाम हम तो दीजिए, हे प्रभु आनंद, वो तुतलाता बोलेगा ना, उस तुतलाती हुई आवाज में भी ईश्वर के तार उससे जुड़ जाएंगे। एक बच्चा रोज मंदिर जाया करता, 4 साल का बच्चा रोज मंदिर जाया करता, मम्मी ने उसे कहा था स्कूल जाएगा ना, 4.5 साल का था, प्रेप में अभी तक, रोज मंदिर जाता, यूं 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 करता, वापस अपने घर आ जाता, स्कूल चला जाता, शाम को घर आ जा। एक दिन मंदिर में आने वाले भक्तों ने सोचा, यार बच्चा करता क्या है, रोज मंदिर आता है, आंख बंद करता है, यूं 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 बोलता है, उसके होठ भी हिलते हैं, पता नहीं क्या बोलता है, 4.5 साल का बच्चा है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने, मंदिर में आने वाली बहनों ने, मंदिर में आने वाले भाइयों ने बच्चे को दरवाजे पे रोका, कहा भैया तू रोज मंदिर आता है बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बता, तू मंदिर में आके बोलता क्या है, क्या प्रार्थना करता है? उसने कहा मैं बताऊं क्या बोलता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOP। लोगों ने कहा मतलब तू बोलता क्या? हां मैं यही रोज बोलता हूं। ये बोलता है पागल, ये स्कूल है, ये तुम्हारी क्लास है, ये तुम्हारा विद्यालय है, जो यहां पर आकर तू ABCDEFGHIJKLMNOP बोलता है। उसने कहा मैं रोज इतना ही बोलता हूं, A से लेके Z तक बोलता हूं,
भगवान जी को हाथ जोड़ता हूँ, चला जाता हूँ। कहा, बेवकूफ, मंदिर में भगवान को ABCD नहीं सुनाई जाती, मंदिर में भगवान को प्रार्थना सुनाई जाती है, मंदिर में भगवान को गीत सुनाए जाते हैं, मंदिर में भगवान की भक्ति की जाती है, मंदिर में भगवान का कीर्तन किया जाता है, ये कोई ABCD मंदिर में बोली जाती है? पागल कहीं का। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इतना ही बोलता हूँ, इतना ही जानता हूँ, रोज आता हूँ मंदिर, A से Z तक बोलता हूँ। भगवान को कहता हूँ, भगवान दुनिया में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं ये सब A से Z के बीच में ही बनी हुई है। दुनिया भर में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी भगवान की हो, किसी भी ईश्वर की हो, किसी भी आराध्य की हो, दुनिया की हर प्रार्थना इसी A से Z तक में बनी हुई है। मेरे प्रभु, ये रोज इतनी शक्ति हमें देना। दाता प्रार्थना सुनते सुनते भगवान बोर हो गए होंगे, तो मैं भगवान से कहता हूं, भगवान A से Z तक सुना रहा हूं, जैसी प्रार्थना पसंद हो अपने आप बना करके सुन लिया करना, बस A से Z तक तुम्हें सुना देता हूं, और तुम्हें जैसी प्रार्थना पसंद आए, रोज नई नई प्रार्थना भगवान बना लेते होंगे और सुन लेते होंगे। लोग समझ गए, भाव बिन मिले नहीं भगवान, ओ भगवान को भजने वाले धरले मन में ध्यान। जब तक व्यक्ति की भावनाएं प्रभु से न जुड़ जाती है, तब तक केवल बोलों के आधार पर इंसान को भगवान नहीं मिला करते हैं। कहते हैं, भगवान श्री राम वनवास में थे, हैं भगवान श्री राम जब वनवास में थे, निकले थे वनवास के लिए, छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ था और महासती धर्मपत्नी सीता भी उनके साथ थी। चलते 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 राम की यात्रा में रुकावट आ गई, और रुकावट इसलिए आ गई क्योंकि सामने सरयू नदी आ गई। नदी सामने आ गई और प्रश्न था, नदी के उस पार जाया जाए, कैसे जाएं? अरे राम और लक्ष्मण दो होते तो पार लग जाते, साथ में सीता भी थी। संयोग की बात थी, वहां पर एक मल्लाह मिल गया। अरे मल्लाह क्या मिला, उसका तो भौ-भौ पार होने का अवसर आ गया, और वहां पर नदी के किनारे केवट मिल गया। राम ने केवट से कहा, बे केवट भैया, केवट जरा हमें नदी के उस पार पहुंचा दो। केवट ने कहा, भगवान पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कहा, किराया? अरे किराया विराय की कहां सोचते हैं भगवान, आप तो मेरी नौका में बैठो और मैं उस पार पहुंचा दूंगा। राम जैसे ही नौका में बैठने वाले थे, पांव उठाया कि केवट ने कहा, ठहरिए भगवान, मेरी नौका में सीधे पांव नहीं रख सकते, पहले आपके पांव को धोऊंगा, साफ करूंगा, उसके बाद बैठूंगा। लक्ष्मण ने कहा, समझता क्या है, हम क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं, हम रघुकुल के राजकुमार हैं, तो हमें अपवित्र समझता है, हमारे पांव धो करके और पांव साफ करके फिर बैठ। लक्ष्मण जी, चुप रहिए, अभी अभी आपको मेरी गरज है, मुझे आपकी गरज नहीं है। पार लगना है तो जैसा मैं कहूं वैसे करते जाओ, नहीं तो बैठे रहो यहां पर, मैं तो जा रहा हूं। अरे राम ने कहा, लक्ष्मण मना मना इसको मना। केवट को वापस समझा कर बुलाया गया, केवट गया अपनी कुटिया में और जाकर लेकर आया कठौती, आटा भिगोने की लकड़ी की कठौती लेकर आया, लाकर पहुंचा नदी के किनारे, नदी में से एक लोटा पानी लिया और कठौती में राम के पांव धोने लगा। लक्ष्मण ने कहा, तू समझता क्या है? उसने कहा, चुप है? ये पत्थर को छूते हैं तो उसको अहिल्या नारी बना देते हैं, कल मेरी नौका में पांव रखेंगे और वो लुगाई बन गई तो मेरी लुगाई का क्या होगा, करते क्या हो? ये पत्थर पर पांव रखे राम जी तो उसे अहिल्या नारी बना देते हैं, मेरी नौका में पांव रखेंगे और ये महिला बन गई, वो घरवाली से वैसी तंग आया हूं, ये नई मुसीबत कहां से मोल लूं, मैं नहीं बैठाने वाला ऐसे। और तब 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 उस सीधे साधे भोले भाले भगत केवट ने प्रभु जी के श्री चरण पखारे, किसमें? किसमें? कठौती में। और तभी से निकल पड़ा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये तभी से कहावत निकल पड़ी कि अगर मन में भक्ति है तो कठौती में तेरी गंगा आ जाती है। कठौती में उसने पांव धोए, चरण जल अपने 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 कुटिया में रख कर आया, नौका में राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को बैठाया, नौका चलानी शुरू की, चलती रही आधी नदी पार की, वो कभी यूं ले जाए नौका को, कभी यूं ले जाए नौका को, कभी यूं ले जाए नौका को। तो राम जी ने कहा, भैया तू कर क्या रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है भैया, हमने तेरा क्या बिगाड़ा, हमें उस पार पहुंचा दे, हमें आगे जाना है भैया, कभी तू इधर चक्कर खिला रहा है, कभी तू इधर चक्कर खिला रहा है, तूने चार चक्कर तो हमें खिला दिए, चार चक्कर इधर के खिला दिए, हम उस पार क्यों नहीं पहुंचा था। केवट ने कहा, भगवान अक्कल ठिकाने आ गए, हमें 84 के चक्कर में डाल रखा है, हम चुपचाप सहन कर रहे हैं, मैंने आपको चार चक्कर ठिकाए तो पसीने आ गए। अरे राम ने कहा, भोले भगत हमें उस पार पहुंचा दे, मत कर ऐसे। केवट ने कहा, मैंने चार चक्कर खिलाए हैं, उसमें तो आपको चक्कर आने लग गए और आपने हमें 84 के चक्कर में डाल रखा है भगवान, और हम तभी भी सुख शांति से सहन करें, ठीक है भगवान जो दे सो ठीक है।
राम समझ गए इससे बहस करने का मतलब नहीं, ये भगत वो भगत है जिसके भीतर ही भगवान समाया हुआ है। नदी के उस पार पहुँचे और जैसे ही नदी के उस पार पहुँचे राम जी को लगा किसी की सेवा ली है, खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए। और तब राम जी ने सीता को इशारा किया, अरे अरे भाई सीते कुछ तो दो, हम तो पूरे वनवासी साधु बाबा बनकर आ गए हैं, हम तो साधु बाबा बनकर आ गए, मेरे पास भी कुछ नहीं, लक्ष्मण के पास भी कुछ नहीं, अब हमारे पास तो ये धोती है और ये दुपट्टा है और ये बाण है और तो कुछ भी नहीं है, इस विचार को कुछ तो दे। और तब सीता के शरीर में एक ही आभूषण होता है, अंगुली में अंगूठी जो श्री राम ने विवाह के समय पहनाई थी, सीता वो अंगूठी निकालती है, केवट की तरफ बढ़ाती है और तब केवट कहता है, राम जी कैसी बात करते हो, आप और मैं दोनों जाति भाई हैं। क्या कहते हैं, आप और हम तो एक ही जाति के भाई भाई हैं। अरे जाति भाई एक दूसरे को लेता देता है। लक्ष्मण गुस्से में आक्रोश से भर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, केवट अपनी जबान पे लगाम लगाओ, अरे हम रघुकुल के राजकुमार हैं, क्षत्रिय वंश के राजकुमार है, तू सामान्य कुल में छोटी जाति में पैदा हुआ मल्ला है, तू हमसे हमारी तुलना कर रहा है अपनी। केवट कहता है, आप क्यों चिल्ला रहे हो लक्ष्मण जी, आप अलग हो जाओ, राम जी और मैं दोनों एक ही जाति के भाई हैं। लक्ष्मण कहते हैं, मतलब सीता भी अचरज में आ जाती है, मतलब। तब केवट मुस्कुरा कर कहता है, हे प्रभु आप और मैं दोनों एक ही जाति के हैं, क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं, आपका काम भी पाड़ लगाना है, मेरा काम भी पाड़ लगाना है, मेरा काम जो नदी में आ जाए मैं उसे पाड़ लगाता हूँ और आपका काम है जो आपके चरणों में आ जाए आप उसे पाड़ लगाते हैं। भगवान अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं। और तब केवट राम के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सीता मैया से कहते हैं, सीता मैया अंगूठी तो अंगुली में पहन लो, ये आपके बुरे वक्त में काम आएगी। क्या कहते हैं, ये श्री राम की दी हुई जो आपको सुहाग की अंगूठी है, आपके विवाह की अंगूठी मां सीते, ये तो आप अंगुली में पहन लो, क्योंकि ये वनवास में कभी बुरे वक्त में आपके काम आएगी। और वही बुरा वक्त आया था जब रावण सीता का अपहरण करके ले गया, तब हनुमान को देने के लिए वही अंगूठी काम आई थी। तो केवट ने कहा, मैया ये अंगूठी तो आप ले जाओ, मुझे मत दो, क्योंकि आपके कोई बुरे वक्त में काम आएगी, पर हे राम अगर आप देना ही चाहते हैं ना तो वचन देकर जाओ कि जैसे आज आप मेरे द्वार पर आए, मैंने आपको पार लगाया, एक दिन मर कर ये जीव आपके द्वार पर आएगा, आप अभी उसको पार लगा देना, बस लेन देन पूरी हो जाएगी, ये लेन देन पूरी हो जाएगी, मैं आपके द्वार आया, आपने मुझे पार लगाया, आप मेरे द्वार आए, मैंने आपको पार लगाया, आपने मेरा काम निकाला, मैंने आपका काम निकाला, मैंने आपका काम निकाला, आपको परिवार सहित इस पार पहुंचाया, कल मैं अगर आ जाऊं आपके द्वार पर, कल अगर मैं आ जाऊं आपके द्वार पर, तो आप मुझे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता कि भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहता कि भगवान नाचते नहीं, राधा रानी की तरह हम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दाम। ले चलता हूं मैं आपको राजस्थान में, भगत बैठा था भगवान की आराधना में कि भगवान मुझे यहीं दर्शन दीजिए, मेरे गुरुदेव मुझे यहीं दर्शन दीजिए। और यह घटना है मालपुरा की, मालपुरा जयपुर के पास मालपुरा की घटना है। और कहते हैं वहां पर एक भगत बैठा हुआ ध्यान में लीन हो गया और ध्यान में बैठा हुआ भगवान का कीर्तन भजन आराधन करने लगा। 3 दिन का उपवास किया उसने और उसी 3 दिन के उपवास का परिणाम दिल के अनन्य तार जुड़ते चले गए। अपने आराध्य गुरु को याद करता रहा। आज जो मालपुरा में बहुत बड़ा तीर्थ बना हुआ है कुशल गुरुदेव का, सच्चाई तो यह, वो तीर्थ की मूल संस्थापना जब उस भगत ने लगातार 3 दिन तक श्री प्रभु की आराधना की तो स्वयं गुरु उसके प्रकट होकर उसने वहीं जमीन पर अपने पांव रखे, उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु तो अंतर्ध्यान हो गए पर उनके पद चिन्हों के निशान वहां रह गए और वही निशान निशानी बन गई और मालपुरा तीर्थ का निर्माण हो गया। क्या होती है व्यक्ति की भाव दशाएं,
भगवान गोमटेश बाहुबली, वो विशाल मूर्ति जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बनी हुई है, गोमटेश बाहुबली की विशाल प्रतिमा, प्रतिष्ठा का दिन, अभी अभी जिनकी महामस्तकाभिषेक अभी फरवरी में जहां का संपन्न हुआ, जब उनकी प्रतिष्ठा हुई, बात है आज से 1012 साल पुरानी। और जब उनकी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, मूर्ति का निर्माण किया था कर्नाटक के महामंत्री चामुंडराय ने। उसकी मां की इच्छा थी कि ऐसी मूर्ति का निर्माण करो जिस मूर्ति का उल्लेख पहले कभी न आया हो, जिस मूर्ति की शानी भविष्य में कोई न बन सके, पूरी दुनिया में वैसी मूर्ति का निर्माण न हो सके। मैं चाहती हूं मेरे बेटे, तुम इतने बड़े अमीर व्यक्ति हो, इतने बड़े राजघराने के महामंत्री हो, हे महामंत्री चामुंडराय, मेरी इच्छा है कि तुम ऐसी प्रतिमा का निर्माण करो। तब महामंत्री चामुंडराय ने पूरे देश भर के जितने भी प्रतिमा बनाने वाले विशेषज्ञ कलाकार मूर्तिकार लोग थे, उन सबको सम्मिलित किया, एक सम्मेलन बुलाया और बताया कि मैं एक सपना देख रहा हूं, एक ऐसी विशाल मूर्ति का निर्माण किया जाए जिसकी आन बान शान में पूरी दुनिया में कोई मूर्ति न बन पाए। और तब मूर्तिकार एक नक्शा बनाकर उसकी माँ के सामने पेश करते हैं और माँ से बताते हैं, माँ कहती है ऐसी मूर्ति का निर्माण करो, ऐसी मूर्ति का निर्माण करो कि आने वाला भविष्य मेरा नाम और मूर्ति का नाम साथ में जुड़ जाए। और तब वो महासंपन्न रिद्धि संपन्न चामुंडराय, वही पहाड़ी गोमटेश की बाहुबली की वही पहाड़ी जिस पर आज मूर्ति खड़ी है, सच्चाई तो यह है कि वो मूर्ति बनाकर नहीं लाई गई, वो मूर्ति उसी पहाड़ में से प्रकट की हुई है, वो पहाड़ का अंग है, पहाड़ में बाहर से नहीं लाकर रखी गई है। और तब पहाड़ की छिलाई होनी शुरू होती है, छीलते 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 सैकड़ों हजारों मूर्तिकार लगते हैं, 12 वर्ष लगते हैं। और तब 12 वर्ष में जाकर के वो बाहुबली गोमटेश की विशाल मूर्ति है, जिसके आंख से आंख मिलाओ तो सिर पीछे चला जाता है, उस विशाल प्रतिमा का निर्माण होता है। चामुंडराय निर्णय करता है इसकी प्रतिष्ठा में जैन धर्म के जितने आचार्य हैं देश भर में, सारे के सारे आचार्यों को बुलाएंगे। और तय कहते हैं धरती के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है जब किसी एक मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए 100 से ज्यादा आचार्य वहां पर इकट्ठे होते हैं। चामुंडराय निर्णय करता है ये विश्व की सबसे महान प्रतिमा है, इसका अभिषेक कोई सामान्य लोगों के हाथों से न होगा, 1008 सोने के कलशे बनाए जाते हैं, इतने बड़े बड़े 1008 सोने के कलशे बनाए जाते हैं। और निर्णय किया जाता है दुनिया भर के राजा महाराजाओं को बुलाएंगे, दुनिया भर के महामंत्रियों को बुलाएंगे, दुनिया भर के सेनापतियों को बुलाएंगे और उनके हाथ से भगवान का अभिषेक करेंगे। प्रतिष्ठा का समय आ जाता है, घटना को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुहूर्त सामने आ जाता है, अभिषेक शुरू हो जाते हैं, मंत्रोच्चारण शुरू हो जाता है, 1 गड़ा 2 गड़ा 10 20 100 50 200 500 1000 सोने के गड़े खाली हो जाते हैं, इतना पानी ढार दिया जाता है जिसकी सीमा नहीं, 1008 सोने के कल से खाली हो जाते हैं। चामुंडराय मदोन्मत्त होते हैं, आनंदित और खुश होते हैं, मैंने भगवान का अभिषेक कराया, 1008 सोने के कलशों से भगवान का अभिषेक कराया, न भूतो न भविष्यति कि 100-100 आचार्य मेरी प्रतिष्ठा में हैं। तब प्रतिष्ठा के मुख्य आचार्य खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, चामुंडराय तेरी प्रतिष्ठा अधूरी है, भगवान ने तुम्हारी प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि देखो 1008 सोने के इतने बड़े बड़े घड़े डालने के बावजूद भगवान के दोनों चरण सूखे पड़े हैं। क्या है 1008 सोने के कल से ढारने के बावजूद भगवान के दोनों चरण सूखे पड़े हैं, भगवान के चरण जब तक प्रक्षालित नहीं होंगे तब तक अभिषेक पूरा नहीं माना जाएगा, और जब तक अभिषेक पूरा नहीं होगा तब तक प्रतिष्ठा अधूरी रहेगी। चामुंडराय के पसीना पसीना हो जाता है, उसकी मां आती है, मां आकर कहती है, भगवान ये क्या गजब हो रहा है, जिस मूर्ति का निर्माण मैंने इतने भावना से कराया है, आज ये मौका आया है, मेरा नाक कट जाएगा दुनिया में कि मैंने कोई गलत भावना से मूर्ति बनाई जो मेरी प्रतिष्ठा न हुई, भगवान कोई उपाय करो, प्रतिष्ठा को पूरा कराओ। कहते हैं फिर से 1008 सोने के कल से ढारे जाते हैं, पर भगवान का पूरा शरीर भीग जाता है, पर चरण फिर भी सूखे के सूखे रह जाते हैं। और तब आचार्य चामुंडराय को अपने पास बुलाकर कहते हैं, हे मेरे प्यारे शिष्य, भगवान भोग के भूखे नहीं, भगवान को अब कुछ और चाहिए, भगवान को अब तुम्हारे इस 1000 सोने के कलशों से काम न होगा, भगवान को कुछ और चाहिए,
कुछ और चाहिए भगवान को, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या चाहिए, पर लग रहा है भगवान को कुछ और चाहिए अपने प्रतिष्ठा के लिए। अरे कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम नीचा हो जाएगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तभी कहते हैं एक 85-87 साल की बूढ़ी महिला, कन्नड़ महिला वहां पर आती है, वही कन्नड़ स्टाइल के कपड़े पहने हुए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई, कमर झुकी हुई, हाथ में लकड़ी पकड़े हुए, एक पत्तों का दोना लेकर आती है भगवान का अभिषेक करने के लिए। पत्तों का दोना लेकर आती है और आकर कहती है मुझे भी ऊपर जाना है, मुझे भी ऊपर जाना है, मुझे भी कांपते हाथों से कहती है मुझे भी ऊपर जाना है, भगवान का अभिषेक करना है। चौकीदार कहते हैं हट, पता नहीं कहां से भिखारन उड़ के आ गई, अरे यहां पर सैकड़ों राजाओं ने अभिषेक कर दिया तब भी अभिषेक अधूरा रहा। अब वो बुढ़िया कहती है, वो भिखारन बुढ़िया कहती है मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना, मुझे ऊपर जाने दो। बार बार द्वारपाल उसे रोकते हैं, मूर्ति तक पहुंचने ही देते। आचार्य की नजर पड़ती है, आचार्य चामुंडराय को कहते हैं देखो 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 शायद भगवान ने इसको बुलाया, देखो देखो वो जो गरीब महिला खड़ी है कौन है, इसके हाथ में क्या है। आचार्य उस तक पहुंचते हैं, चामुंडराय पहुंचते हैं, उसके हाथ में एक पत्तों का दोना है और पत्तों के दोने में 100 ग्राम केवल दूध है और वो कह रही है मुझे भगवान का अभिषेक करना है। आचार्य कहते हैं तू सुबह क्यों नहीं आई, उसने कहा मैं सुबह रवाना हुई और शाम तक यहां पहुंची हूं, मैं अपनी कुटिया से सुबह रवाना हुई महाराज, 20 मील पैदल चलकर मैं आई हूं, मुझे भगवान का अभिषेक करना है, मुझे भगवान का अभिषेक करना है। अरे ये सामान्य दूध नहीं है भगवान, ये आप समझो मेरा खुद का दूध है, मुझे भगवान का अभिषेक करना है। और तब आचार्य चामुंडराय महामंत्री उस गुल्ली का अज्जी बुढ़िया को लेकर मंच पर चढ़ते हैं, सीढ़ी 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 चढ़ते हैं और भगवान के शीश के करीब पहुंचते हैं। और तब गुल्ली का अज्जी आचार्य को प्रणाम करती है और प्रणाम करके कहती है हे भगवान, इस गरीब दासी को, इस बूढ़ी महिला को, इस गरीबणी को आज भगवान के अभिषेक करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। और तब तो वो पत्ते के दोने में भरा हुआ वो 100 ग्राम दूध वो भगवान के शीश पर आंख बंद करके श्री प्रभु से अपने तार जोड़कर, ईश्वर से अपने तार जोड़कर, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से अपने तार जोड़कर, बाहुबली से अपने दिल के तार जोड़कर, और तब वो बुढ़िया 85-87 साल की बुढ़िया तब वो भगवान के शीश पर 100 ग्राम दूध उसी पत्ते के दोने से, जिस भगवान का सोने के 1008 कलशों से अभिषेक किया गया था, उसी भगवान की विशाल मूर्ति पर वो पत्तों के दोने से 100 ग्राम दूध ढारती है। पता नहीं वो पत्तों के दोने में क्या निकल कर आता है, शीश पर बहा हुआ वो 100 ग्राम दूध भगवान बाहुबली के शरीर पर दूध की धार बन जाता है और भगवान के दोनों चरण लबालब दूध में डूब जाते हैं। और तुम आचार्य घोषणा करते हैं चामुंडराय तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी हो गई। प्रतिष्ठाचार्य आचार्य कहते हैं महामंत्री चामुंडराय धन्य हो गया तुम, तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी हो गई। और तब आचार्य और चामुंडराय सब करबद्ध होकर उस महिला को, उस महामहिला को प्रणाम करते हैं। और जब उसे वो प्रणाम करते हैं इधर वो दूध का कलसा ढारती है और भगवान के चरण लबालब डूबते हैं, वो वहीं से भगवान को प्रणाम करती है, घुटने टिकाती है, शीश नमाती है और कहते हैं गुल्लिका अजी वहीं पर लुढ़क जाती है, गुल्लिका जी वहीं पर लुढ़क जाती है, श्री प्रभु में उसके प्राण समाहित हो जाते हैं, उसके प्राण निकल जाते हैं। आज भी आपको जानकर आश्चर्य होगा जहां पर बाहुबली भगवान के किस किस ने दर्शन किए हैं उस मूर्ति के, गोमटेश बाहुबली बेंगलोर के पास, जो नहीं जा पाया एक बार जरूर दर्शन कर लेना, नहीं को माँ के पेट में ही रह जाओगे। और वो विशाल प्रतिमा की प्रतिष्ठा की घटना मैंने आपको बताई, आज भी उस महान प्रतिमा के बिल्कुल सामने एक छोटा सा कमरा है और कमरे के अंदर एक मूर्ति है, वो मूर्ति आचार्य की नहीं, वो मूर्ति चामुंडराय की नहीं, वो मूर्ति चामुंडराय की माँ की नहीं, वो मूर्ति उस बूढ़ी गरीबणी महिला की है जिसके 100 ग्राम दूध से भगवान की प्रतिष्ठा पूरी हो गई। और तब आचार्य खड़े होकर कहते हैं मेरे भाई याद रखना, भाव के भूखे होते हैं भगवान, जहां पर 1008 कल से भी हार गए सोने के, वहां पर भक्ति से भरा हुआ पत्तों का दोना भी जीत गया। मेरे भाई चौथी जो मैं आपकी भाव दशा करना चाहूंगा, जब हम श्री प्रभु के श्री चरणों में अपने दिल के तार जोड़ रहे हैं, श्री प्रभु से अपने मन के तार जोड़ रहे हैं, तो मैं आपसे अंतिम निवेदन जरूर करना चाहूंगा, केवल भगवान में ही भगवान को मत देखो। भगवान के जितने रूप हैं प्रभु के गुण तो एक हैं लेकिन रूप अनेक, प्रभु के गुण तो एक हैं लेकिन रूप अनेक, बात करें यदि रूप को तो सबके सब प्रभु एक।
अगर रूप को किनारे कर दो तो दुनिया के सारे भगवान एक हैं। अपने नजरिए को बड़ा करो, सब में भगवान को निहारो, सब में भगवान को निहारो। मुझ में भी है, तुझ में भी है, आपके स्टाफ में भी है, जीव जंतु में भी है, प्राणी मात्र में है, जानवरों में है, पंछियों में है, सबके प्रति दया करुणा प्रेम से भरे रहो। सब में प्रभु का दिव्य रूप निहारते रहो, क्योंकि मंदिर में जाकर भगवान को देखना सरल है, पर मंदिर के बाहर जो भगवान सर्वव्याप्त सर्वत्र व्याप्त है, उन सब में श्री प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य अपने जीवन में हासिल करो। निकले थे एकनाथ, जाते जाते एक घटना जीवन भर के लिए अपने आप से जोड़ लीजिए। निकले थे संत एकनाथ अपने शिष्यों के साथ कावड़ में गंगा जल लेकर। सोचा था जाऊंगा भगवान को चढ़ा, निकले थे और चलते 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 1000 मील की यात्रा पूरी कर ली। रामेश्वरम में जाकर के मैं ये पानी गंगा जल चढ़ाऊंगा। उनके साथ सैकड़ों शिष्य चल रहे थे। बूढ़े संत एकनाथ धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहे थे, शिष्य आगे आगे चल रहे थे। तेज भयंकर गर्मी, मई का महीना, और यही से गुजर रही थी यात्रा आगे की और रामेश्वरम की ओर की, तभी उनके शिष्यों ने रास्ते में देखा भयंकर जंगल में, जहां पर पेड़ की छाया नहीं कोई, एक गधा प्यास के मारे तड़फड़ा रहा है, प्यास के मारे तड़फड़ा रहा है, प्यास के मारे तड़फड़ा है। लोगों को दया आई, सबने अपना कावड़ किनारे रखा, जाओ रे जाओ आजू बाजू में पानी ढूंढ के लाओ। एक एक मिल गए, पर कहीं भी पानी न मिला। तब तक संत एकनाथ भी पहुंच गए, और एकनाथ भी वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारे शिष्य इकट्ठे हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम सारे लोग यहां पर इकट्ठे क्यों? कहा, भगवान देखो देखो ये गधा प्यास के मारे तड़प रहा है, हमने दो दो मील जाकर पानी की तलाश कर ली, पर यहां पर पानी नहीं मिल रहा है। तो संत एकनाथ ने कहा, अरे तुम्हारे कावड़ में है ना गंगा जल, वो पिला दो। अरे अरे भगवान, वो कोई पिलाया जाता है? 1000 मील पैदल चलकर हम ये गंगा जल लाए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, और ये कोई गधे को पिलाने के लिए हम लाए? संत एकनाथ मुस्कुराए, अपने कंधे पर रखी हुई कावड़ को उतारा, लोटे का ढक्कन खोला जिसमें वो गंगा जल लेकर आए थे श्री प्रभु को चढ़ाने के लिए, वो लोटा बाहर निकाला और लेकर गए उस गधे के पास। गधे के मुंह में एक एक घूंट, एक एक घूंट, एक एक घूंट, एक एक घूंट। शिष्यों ने कहा, भगवान क्या कर रहे हो? कहा, भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं। और ये कहते हुए उन्होंने पूरा लोटा खाली कर दिया। शिष्यों को लगा, अरे एकनाथ भी क्या बुद्धि के हुए, अरे 1000 किलोमीटर चलकर आए, सारी यात्रा बेकार चली गई। और तभी कहते हैं पशु तो वहां से गायब हो गया, और पशुपतिनाथ वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, हे एकनाथ, तुम्हारी पूजा सच्ची थी जो मैंने स्वीकार की। जो पशु में भी पशुपतिनाथ को ढूंढ लेता है, वही व्यक्ति मंदिर के भगवान को पा सकता है। हाथ जोड़िए, पलके झुकाइए, और एक मिनट तक परमपिता परमेश्वर का अपने अंतर हृदय में स्मरण कीजिए। हे ईश्वर, सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो, सबका भला करो, सब पे दया करो, तेरा मीठा मधुर नाम हमारी लबों पर बना रहे। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे दीनानाथ, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। हे ईश्वर, ऐसी कृपा करो। हे मेरे प्रभु, मेरे पांवों में इतनी शक्ति देना कि मैं दौड़ दौड़ कर तेरे द्वार पर आ सकूं। 100 साल जीऊं या 50 साल, जिह्वा पर सदा तेरा नाम बना रहे। मेरे मालिक, मेरी आंखों में श्रद्धा देना, मुझे श्रद्धा से झुका हुआ शीश देना, मैं सहयोग कर सकूं दूसरों का ऐसा मुझे हाथ देना, मैं सतपथ पर चल सकूं ऐसे मुझे पांव देना, मेरे मालिक तेरा सुमिरण कर सकूं ऐसा मुझे मन देना। हे मालिक, अपने बच्चे पे कृपा करना, अपने बच्चे पे कृपा करना, मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे सद्बुद्धि देना। हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, सबको सन्मति दो। ओ शांति शांति।